वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है और आज हम बात करेंगे बैचिंग प्लांट के कन्वेयर बेल्ट कैसे ऑपरेट करते हैं। तो ये जो कन्वेयर बेल्ट है तो इसके बारे में बात करेंगे। तो ये इसका पैनल है, आप देख सकते हैं इसका पैनल है। तो इसके लिए मेन स्विच है, तो मेन स्विच को जैसे हम ऑन करेंगे तो इस पैनल में सप्लाई आ जाएगा। तो इसको ऑन करते हैं तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर 400 प्लस वोल्टेज है और फेज आर फेज वाई फेज ब्लू फेज के लिए है। प्रेजेंट ब्लू फेज का जो है लाइट फ्यूज है इसलिए इंडिकेट नहीं कर रहा, बाकी तीनों फेज आ रहे हैं। और उसके लिए यदि हमें चेक करना है तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे है, अभी इसको हम चेंज करेंगे तो हमको तीनों फेज का वोल्टेज मिल गया, इसलिए तीनों फेज पर वोल्टेज आ रहा है क्योंकि इंडिकेशन एक का ख़राब है। अभी मान लीजिए कि उसके बाद हॉपर पोजीशन वन, हॉपर पोजीशन टू, हॉपर पोजीशन थ्री, हॉपर पोजीशन फोर, ये जो चारों हैं तो ये चार जो हॉपर हैं उसके लिए हैं। लेकिन अभी क्या है, इनके वर्क नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ये जब पैनल अभी कन्वेयर बेल्ट के डायरेक्ट ऊपर है इसलिए इसके वर्क नहीं है। जब ये पैनल नीचे बैठता है, जब नीचे से ऑपरेट किया जाता है उस कंडीशन में लिमिट स्विच का प्रयोग करके इसमें और इसको यहाँ से हॉपर पोजीशन वन टू थ्री फोर, यहाँ से इसको वन पे है तो एक नंबर बीम, दो पे है टू पे है तो दो नंबर बीम, थ्री पे है तो थ्री नंबर बीम, इस प्रकार से इसको रोटेट करके इसका यूज किया जाता है। और जो मेन कन्वेयर बेल्ट है इससे ऑन करते हैं बेल्ट कन्वेयर स्टार्ट। तो जैसे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑन का लाइट जल जाएगा। अभी जैसे इसको स्टार्ट करेंगे तो ऑन की लाइट जलेगी, ये ऑन हो गया। अभी वाइब्रेटर ऑफ है तो इस बटन से वाइब्रेटर ऑन होगा, वाइब्रेटर ऑन हो गया। तो ये वाइब्रेटर ऑन ऑफ इसी बटन से दोनों, मतलब जब तक कन्वेयर बेल्ट चलेगा तब तक वाइब्रेटर चलेगा, कन्वेयर बेल्ट ऑफ वाइब्रेटर ऑफ हो जाएगा। और जो ये मटेरियल गिरने के लिए जो इस जो कन्वेयर बेल्ट का डिस्चार्ज शूट होता है तो इसका रिवर्स और फॉरवर्ड, फॉरवर्ड रिवर्स और स्टॉप, इसके माध्यम से हम कन्वेयर बेल्ट को स्विंग कर सकते हैं। जो इसका शूट है नीचे का जो मटेरियल गिरता है इसको, अभी मान लीजिए हम इसको फॉरवर्ड करते हैं तो ये इस तरह से स्विंग करता रहेगा जब तक हम इसको रोकेंगे नहीं। अभी जैसे हम इसको स्टॉप करेंगे तो ये रुक जाएगा और हम इसको रिवर्स करेंगे तो जस्ट अपोजिट आएगा, जो अभी फॉरवर्ड हुआ है अब रिवर्स में आएगा। तो इस प्रकार से ये रिवर्स हो रहा है। तो फिर इसी बटन से इसको ऑन ऑफ करते हैं। तो और इसमें इंडिकेशन के लिए ये जो कन्वेयर बेल्ट ट्रिप कर जाएगा जब नहीं चलेगा, ट्रिप करेगा उस कंडीशन में ओवरलोड पे जब ट्रिप करेगा तो ये लाइट जल जाएगी और जो ये शूट का जो स्विंग मोटर है वो ट्रिप करेगी तो ये लाइट जल जाएगी। ये ट्रिप के लिए है और वाइब्रेटर ऑन के लिए है, बाकी इसमें इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसके बारे में इतनी जानकारी है, इतना जानकारी होने के बाद आप इसको चला सकते हैं। और इसका जो है इसमें एक कन्वेयर बेल्ट में लगता है नीचे साइड में पुल गार्ड स्विच, जो नीचे साइड में जो रस्सी के माध्यम से उसको खींच के ऑपरेट करते हैं, कोई इमरजेंसी कंडीशन में उसको बंद कर देते हैं। तो उसके बारे में वीडियो बना हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उसको देख सकते हैं। तो अभी तक आप लोगों को मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।